नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। जो आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रा 1518 के अंदर जो वाटर लीकेज, कूलेंट लीकेज और होती है, वो हम कैसे चेक करें और उसके लिए हमें क्या बदलना पड़ेगा। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है दो कमियां आती हैं इस गाड़ी के अंदर, इस इंजन के अंदर। एक तो वाटर लीकेज की, जो कि पानी की पाइपें होती हैं उनसे, और जो इसकी जो ब्लॉक की टिक्की वगैरह होती है उनसे लीक होती है, एयर सिलेंडर हेड की और जो ब्लॉक की टिक्कियाँ होती है उनके अंदर से, ठीक है जी। ये इसके अंदर देखिए कूलेंट न डालने की वजह से लीकेज होती हैं। सबसे ज़्यादा कारण है जी कूलेंट न डालना। ये थोड़े दिन चलने के बाद हम गाड़ियों में कूलेंट डालते लापरवाही करते हैं, इस वजह से देखिए इसकी जब सभी टिक्कियाँ हैं वो लीक हो गई हैं और ये हमने नई मंगाई है। ये अगर आपको नहीं मिले तो ये आइसर गाड़ी की हमने मंगाई है, आइसर गाड़ी की जो ब्लॉक की टिक्की है वो लग जाएगी। ये पुराने वाली है, देखिए जंग ने बिल्कुल खा दी हैं, ये हमने नई लगानी है। एक और ध्यान रखना है इसके अंदर, अगर आपने जो टिक्कियाँ बदली हैं वो एक नहीं बदलनी, जो उनसे लीक है वो नहीं बदलनी, बल्कि जो भीड़ भाड़ वाली हैं वो लगभग आपको सभी बदलनी पड़ेंगी एक साथ में। पूरा सेट का सेट ही चेंज करें तभी आपके लिए ठीक होगा, नहीं तो एक को बंद करेंगे दूसरी लीकेज होगी, आप इसी काम पर लगे रहेंगे। अच्छे काम के लिए आप सभी जो है टिक्कियों को एक साथ ही बदले। देखिए मैंने भी ये 3-4 टिक्कियाँ एक साथ बदली हैं, जो भीड़ भाड़ वाली हैं, जो आसानी से बदली जा सकती हैं उसको आप आराम से बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बदली जा सकती है अगर लीक होगी तो, लेकिन जो भीड़ भाड़ वाली है उनको बदले। देखिए ये बिल्कुल भीड़ में है दोनों, ये मैंने दोनों बिल्कुल नई लगाई हैं और आइसर गाड़ी की मिल गई जी। ये देखिए आइसर गाड़ी की है, ये बिल्कुल फिट आई है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और इन गाड़ियों के अंदर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो इंजेक्टर की दिक्कत होती है। जो 5 लीटर अपना इंजन होता है BS4, उसके अंदर इंजेक्टरों की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। इसका जो स्पेयर पार्ट है उसे थोड़ा ध्यान से खोले। ये देखिए पैकिंग मैंने पुराने वाला हिसाब किया है, जो इसका ऑयल कूलिंग प्लेट का है, इसके लिए हमने ऑयल कूलिंग प्लेट, सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर, साइलेंसर वगैरह कई चीज़ें खोल रखी है हमने। तो आप देखिए ये हमारा जो पैकिंग है उसका पार्ट नंबर है, टेलब्रास कंपनी की जो हमारी ये पैकिंग है, इस पर ये हमारा जो ऑयल कूलर है मैंने बिल्कुल साफ करके ले लिया है। इसमें अच्छी तरह से सफाई करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने सफाई नहीं की तो इसके अंदर जो हमारा बॉल, जो ऑयल प्रेशर वाल होता है वो इसके अंदर होता है, अगर कचरा उसके अंदर फंस गया तो हमारा ऑयल प्रेशर गिर सकता है, मतलब यानी कि पूरा ऑयल प्रेशर नहीं बनेगा, या फिर कहीं रुकावट हो गया हमारा फिल्टर फट सकता है। इसलिए थोड़े ध्यान से करें, साफ़ सफाई के साथ काम करें। ये देखिए ये ऑयल कूलिंग प्लेट है, इस जगह पर हमारा जो है ऑयल को ठंडा किया जाए, इंजन ऑयल को हम यहाँ पानी के साथ ठंडा करते हैं। ये जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा जो है ऑयल फिल्टर लगने की जगह, बिल्कुल साफ़ सफाई के साथ करें। हमने देखिए साइलेंसर भी लगा लिया है और जो ऑयल कूलिंग प्लेट भी लगा दी है, ये जो एयर ब्रीदिंग सिस्टम है ये भी लगा दिया है। इन गाड़ियों में एक विशेष ध्यान रखना है, इस गाड़ियों में अगर काम करते समय हमें स्टेप वाइज ही पुर्जे खुलेंगे और स्टेप वाइज ही फिट होंगे। अगर आपने कोई पहले खोल दिया या ज़बरदस्ती की तो काम नहीं होगा और टूट फूट कुछ न कुछ ज़रूर होगी। ये देखिए हमने इसका जो लेफ्ट राइट साइड का जो सिस्टम है वो सभी लगभग हमने फिट कर लिया। देखिए ये हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर है, ये सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर हमारा जो है खाली सर्विस के टाइम पे साफ़ होता है, न कि बदला जाता है। मेरे कई मैकेनिक भाई को ज्ञान नहीं है, जिससे वो इनको साफ़ भी नहीं करते कहीं कहीं सर्विस, जैसे मैं इन्हें कई बार सर्विस करता हूँ तो मैं हर बार साफ़ करता हूँ, उनमें हद से ज़्यादा मिट्टी मिलती है, इसे साफ़ करना चाहिए। ये हमारा जो है राइट साइड है जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, राइट साइड टर्बो वाली साइड जो इंजन की है। अब हम आप लेफ़्ट वाली साइड को आपको दिखाएंगे। लेफ़्ट वाली साइड में भी हमारी जो है एक टिक्की लीक थी, जो हम चेंज करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा, जो हमारे उस्ताद जी हैं किशन चंद जी हैं हमीरपुर हिमाचल से, उन्होंने एक चैनल बनाया है अपना। अगर आपको BS4 टाटा की जो BS4 और BS6 गाड़ियों का काम सीखना है तो श्री कृष्णा ऑटोमोबाइल के नाम से जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम भी उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहते हैं और आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये देखिए मैं जो सेंसर दिखा रहा हूँ, ये नोक सेंसर होते हैं, एक नोक सेंसर होता है, एक नोक सेंसर होता है, और ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर आगे की तरफ। ये हमें भीड़ से बहुत ही मतलब जो है मैनिफोल्ड खोलना पड़ता है उसके नीचे होते हैं,
इसको ध्यान से खोलें और ध्यान से ही फिट करें। ये हमने देखिए इसका जो है, इसके जो इंजेक्टर वाली पाइप है, जो रेल पर जो हम डीजल की लाइन को खोल लेंगे, उसे बड़ी अच्छी तरह से फिट करना है, अच्छी तरह से एयर निकाल के। अगर आपने ज़रा सी लापरवाही की तो इस गाड़ी के इंजेक्टर तब तुरंत लॉक हो जाएंगे। देखिए इसके लिए हमने मैनिफोल्ड, एयर कंप्रेसर और जो स्टेयरिंग पंप है, ये हमने बहुत सी चीज़ें खोली हैं एक टिक्की को बदलने के लिए। सिलेंडर हेड के अंदर जो हमारी एक टिक्की थी उसको बदलने के लिए। और एक और बात, इसके अंदर जो एयर कंप्रेसर है, इसके अंदर दो बोल्ट होते हैं। ये एक ऊपर वाला होता है, एक नीचे वाला होता है। ऊपर वाला से हमें दिखाई देता है, नीचे वाला जो बोल्ट हो वो हमें दिखाई नहीं देता। ये लेफ्ट साइड का पीछे वाला जो इंजन का फाउंडेशन है, उसके अंदर से एक अंदर की तरफ 17 नंबरी गोटी लगती है, उसे ध्यान से खोल लें। वो बड़ी ध्यान से देखने पर ही हमें दिखाई देती है। तो अब हमने इसका जो है फिटिंग कर देंगे। और इस गाड़ी में जो सबसे ज़्यादा समस्या यही है कि वाटर लीकेज और इंजेक्टर चोक, इंजेक्टर जो एयर लॉक हो जाते हैं इस गाड़ी में। तो मैं आपसे दोबारा फिर से ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आप जो मेरे उस्ताद जी का चैनल है, जो कृष्ण चंद जी का, श्री कृष्णा ऑटोमोबाइल को, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद जी।